नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। कल चुनाव आयोग ने दो राज्यों के विधानसभा चुनाव समेत कई विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा की। जी हां, उसी में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने थे उसके लिए भी प्रत्याशियों सहित दल के लोग भी इंतजार कर रहे थे, जनता भी इंतजार कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं उसकी तारीख आखिर क्या होगी। तारीख तो सामने आई लेकिन 10 सीटों में से सिर्फ 9 सीटों की, एक सीट जो रह गई वो मिल्कीपुर की सीट। अब इसके बाद राजनीति गर्मा गई है। मिल्कीपुर सीट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे चुनाव नहीं होना है, उसका क्या कारण है और इसके बाद राजनीति कैसे गरमाई है, जरा एक नजर डालते हैं। दरअसल मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव का ऐलान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2022 में बीजेपी के प्रत्याशी रहे गोरखनाथ बाबा ने एक याचिका दायर की है। उस याचिका के चलते जो है मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही समय गुजरा तुरंत गोरखनाथ बाबा को संगठन ने लखनऊ बुलाया और बातचीत करके मामले को सुलटा लिया गया और याचिका को वापस लेने का फैसला आया। गोरखनाथ बाबा के वकील ने वीडियो जारी करके बताया कि उस याचिका को वापस लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद विपक्ष हमलावर नजर आता आया। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी एक साथ दो दो प्रहार नहीं झेल सकती है। जी हाँ, दो दो प्रहार, यानी कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उस हार के बाद बीजेपी बैकफुट पर है और एक इस बार मिल्कीपुर का भी चुनाव नहीं हारना चाहती है, इसलिए बीजेपी ने षड्यंत्र किया है, विपक्ष का ये आरोप है। वहीं सत्ता पक्ष का मानना है, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी आई, कि उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी है। अब देखिए, सबसे खास बात ये हो जाती है कि मिल्कीपुर वो सीट है जो अयोध्या लोकसभा यानी कि फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और उस विधानसभा सीट से विधायक थे अवधेश प्रसाद और अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते। वहीं से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर अब चुनाव नहीं हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा, जब विपक्ष ने आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी। अब मिल्कीपुर की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। खैर, उनके कंधों पर तो दसों की दसों सीट की जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्यतः उन्होंने दो सीटों की जिम्मेदारी ली है, कटेरी और मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर में कई जनसभाएं कर चुके हैं, फिर भी कैसे सीएम योगी को इस बात की जानकारी नहीं मिली, कैसे ये बात संगठन तक नहीं पहुंची। सबसे खास बात यह है कि चुनाव, जहां भी उपचुनाव होता है उसके लिए पहले रिपोर्ट तैयार की जाती है, स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक स्तर पर रिपोर्ट तैयार होता है, उसके बाद राज्य चुनाव आयोग के पास वो रिपोर्ट जाती है, उसके बाद वो रिपोर्ट फिर दिल्ली यानी कि मुख्य चुनाव आयोग के पास जाती है। तो सोचिए कि वहां से रिपोर्ट जो है दिल्ली पहुंच गई ना, यानी कि चुनाव आयोग के पास रिपोर्ट पहुंच गई, लेकिन न संगठन को इस बात की जानकारी लगी न ही सरकार को इस बात की जानकारी लगी। तो कहीं ना कहीं कमियां तो निकल कर सामने आ ही रही है कि संगठन सरकार सहित और स्थानीय प्रशासन के बीच आखिर कैसा तालमेल था कि इस बात की जानकारी तक ही नहीं पहुंची। वहीं जिस सीट की जिम्मेदारी खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं, क्या सीएम योगी या यूं कहें कि सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच वो समन्वय नहीं बन पाया। चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं और ये सवाल उठने लागे भी हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष अब जो है इस बात को मुद्दा भी बना रहा है और सबसे खास बात यह है कि अगर ये याचिका उस पर सुनवाई नहीं होती है या फिर उस पूरी प्रक्रिया में अगर ज्यादा समय लगता है तो फिर चुनाव भी टल सकता है, क्योंकि लगभग 28 दिनों के बाद ही चुनाव होने हैं, 13 तारीख को मत पड़ने हैं। अब अगर 7 दिन का भी समय लगा तो सिर्फ 20 से 21 दिन बच पाएंगे और 20 दिन के भीतर मिल्कीपुर में चुनाव कराना संभव नहीं होगा, तो चुनाव वहां पर टल भी सकता है, जो कि बीजेपी के लिए ही खतरनाक होगा। यानी कि इस पूरे जाल में बीजेपी खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, विपक्ष इसे बड़ा एक मुद्दा बनाएगा कि हार के डर से जो है ये मिल्कीपुर में चुनाव नहीं कराए, षड्यंत्र रचा गया और विपक्ष के इस सवाल का और इस आरोप का बीजेपी के पास जवाब भी नहीं है। जी हाँ, तो देखिए, विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस आरोप में निशाना साध दिया। वहीं सपा सहित पूरा विपक्ष
इसको अब एक नया मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो खामियां हैं, जो संगठन सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय की कमियां हैं, वो भी इससे उजागर हो गई हैं और लगातार मिल्कीपुर की सीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मिल्कीपुर की सीट से ही पिछली बार यानी कि 2022 में विधानसभा चुनाव लड़े गोरखनाथ बाबा के ऊपर अब सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये याचिका उन्होंने दी थी। अब देखिए, वो विधायक बने अवधेश प्रसाद, उसके बाद वो सांसद बन गए, उसके बाद ये लोग ठंडे पड़ गए, यानी कि चलिए याचिका तो ठंडे बस्ते में चली गई, अब उसका कुछ काम नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग तक इसकी रिपोर्ट पहुंच गई, लेकिन सरकार को इस बात की भनक तक नहीं लगी है। खैर, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और उसके बाद विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर कैसे हमलावर होता है, क्योंकि सरकार अब आनन फानन में लगी हुई है। जल्द से जल्द याचिका को वापस करने का प्रयास किया जा रहा है और वकील के बयान भी सामने आ गए हैं और अब देखना होगा कि इसमें समय कितना लगता है। अगर ज़्यादा समय लगा तो फिर ये चुनाव टल भी सकता है और 9 सीटों पर यानी कि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना निश्चित है। 13 तारीख को मत पड़ेंगे और 23 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि संगठन सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच कैसा समन्वय है? वहीं इस समन्वय से सब कुछ सारा ठीक रहा तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही फूटने वाला है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।